सभी छात्रों को दिनेश चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आज फिर लेकर आया हूँ 11th क्लास की रसायन विज्ञान, 11th क्लास के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वॉन थॉप तथा ली बेल का सिद्धांत, उससे पहले मैंने कैलकुलस सिद्धांत समझाया था, उससे पहले मैंने आपको बजीलियस जैव शक्ति सिद्धांत बताया था। उसके बाद अब उसके इसके बाद में वॉन थॉप तथा ली बेल का सिद्धांत है उसको मैं उसके बाद से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, उसकी सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस किस तरीका से किया गया है। टेबल बनाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि उससे समझने में बहुत जहाँ तक है आपको मदद मिलेगी। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस तरीका से करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की मैं परिभाषा पिछले वीडियो में जो पहले वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें उसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार का होता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। जो वर्गीकरण है कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया था, तो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, दो भागों में बांटा गया। एक होता है खुली श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, बच्चे इसको हम अचक्रिय कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं या अचक्रिय कार्बनिक यौगिक। और मेरे प्यारे बच्चों, इनको एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक जो दूसरा टाइप जो होता है वो बंद श्रृंखला वाला होता है। कौन सा होता है बच्चे? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, इसको अचक्रिय कार्बनिक यौगिक बोलते हैं बच्चे। इसमें चक्रिय कार्बनिक यौगिक आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? ऑर्गेनिक, मतलब चक्रिय कार्बनिक यौगिक, साइक्लिक, चक्रिय कार्बनिक यौगिक। अब इसमें देखेंगे कि इसके भी प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, समचक्रिय कार्बनिक यौगिक और विषम चक्रिय कार्बनिक यौगिक। इसके भी दो भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नंबर एक होता है समचक्रिय कार्बनिक यौगिक, इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और एक होता है विषम चक्रीय, कार्बनिक यौगिक, दूसरा जो होता है वो विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड। इसको होमोसाइक्लिक, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक
अब इसमें जो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं और कार्बोसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसमें जो वलय बनती है वो जो कंप्लीट होती है उस वलय के अंदर कार्बन ही कार्बन होते हैं, दूसरा कंपाउंड कोई भी एटम नहीं होता है। विषम चक्रीय के अंदर जो होता है सम चक्रीय में कार्बन कार्बन के द्वारा वलय बनती है, लेकिन विषम चक्रीय में जो वलय बनती है वो उसमें एक विषम परमाणु उपस्थित होता है, जैसे कि हमारा सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार के कंपाउंड जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने फ्यूरेन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए फ्यूरेन होता है। फ्यूरेन क्या होता है, ये होता है फ्यूरेन। अब ये फ्यूरेन की जो संरचना हम पढ़ रहे हैं, फ्यूरेन की जो संरचना हम पढ़ रहे हैं, उस फ्यूरेन की संरचना में हमें दिखाई दे रहा है कि यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, लेकिन यहां क्या है, ऑक्सीजन है। प्रीडीन देखते हैं, प्रीडीन में हम देख रहे हैं कि यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, इस जगह पर कार्बन है, उस जगह पर कार्बन है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन एटम है। कौन सा है, नाइट्रोजन एटम है। इसलिए इस प्रकार के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। लेकिन ये इस प्रकार के बनते हैं वो होते हैं हमारे समचक्रीय। अब समचक्रीय में कोई भी आ सकता है, ये समचक्रीय है, ये समचक्रीय है। अब इसमें भी जो समचक्रीय यौगिक होते हैं इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो एलिफेटिक की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो श्रृंखला होती है वो बंद श्रृंखलाएं होती हैं, और इनके अंदर जो श्रृंखला होती है वो खुली श्रृंखलाएं होती है, जैसे CH3CH2CH3, ये क्या है, खुली श्रृंखला। लेकिन इसके अंदर इसी को हम देखें तो ये बंद श्रृंखला में इस तरीका से होगा CH2 CH2 और CH2, और ये साइक्लोप्रोपेन, इसमें बंद श्रृंखलाएं होती हैं इस तरीका से एलिसाइक्लिक। लेकिन समचक्रीय में एक और होता है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक, समचक्रीय एरोमेटिक, समचक्रीय एरोमेटिक। समचक्रीय एरोमेटिक में क्या होता है, जैसे कि बेंजीन है, हमारा बाइफेनल है, नेक्टेलिन है, ये नेक्टेलिन है। इस तरीका से हम हमारे जो होते हैं समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक होते हैं। अब इसमें भी क्या है कि इसमें बेंजीन रिंग वाले होते हैं समचक्रीय एरोमेटिक में, लेकिन इसके अंदर बेंजीन के साथ साथ बिना बेंजेनॉइड भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं ऐसे जगह पर, जो हमारे समचक्रीय यौगिक है नीचे लिख लेना आप अपने कॉपी में, नीचे उतारना समचक्रीय यौगिक को दो भागों में तोड़ा गया है, समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में तोड़ा गया है। कैसे कैसे तोड़ा गया है बच्चे समझिएगा, जो समचक्रीय यौगिक होता है दो प्रकार के होते हैं, बेंजेनॉइड्स और नॉन बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड्स
कौन से होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग सम्मिलित होती है, इसको बोलते हैं बेंजेनॉइड्स। एक होता है बेंजेनॉइड्स, इंग्लिश में भी बेंजेनॉइड्स ही बोलते हैं इसको, और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स, बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एबेंजेनॉइड, एबेंजेनॉइड। जो बेंजेनॉइड्स होते हैं जैसे कि मैंने वहां पे बताया था ये बेंजीन है, ये क्या है बेंजेनॉइड्स है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासन है, ये सब बेंजेनॉइड्स होते हैं। जबकि नॉन बेंजेनॉइड्स कौन से होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, जैसे कि ये नॉन बेंजेनॉइड्स है, एरोमेटिक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक में अगले जो आपका आई एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता एक टॉपिक है पूरा एरोमेटिक, उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि एरोमेटिक क्या होता है, उसमें हम नॉन बेंजेनॉइड और बेंजेनॉइड दोनों प्रकार के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा इसका वर्गीकरण कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो भागों में तोड़ा गया है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, अचक्रिय कार्बनिक यौगिक। अचक्रिय कार्बनिक यौगिकों का मतलब है कि खुली श्रृंखला में होनी चाहिए, इनकी जो श्रृंखला होनी जो श्रृंखला होती है खुली होती है, ओपन श्रृंखला होते हैं, इनको एलिफैटिक यौगिक भी हम कहते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट क्या है, क्लोज श्रृंखला जो होती है, बंद जो श्रृंखला होती है, तो इनको कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और चक्रीय कार्बनिक यौगिक भी नहीं कहते हैं। चक्रीय का मतलब कि इसके अंदर जो कार्बन परमाणु होता है, ये जो श्रृंखला होती है कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है, उसमें क्या होता है कि जो अंतिम परमाणु होता है उसी श्रृंखला के प्रथम परमाणु या प्रथम से कोई और दूसरा हो सकता है, तीसरा, किसी भी परमाणु से आगे पुनः जुड़ जाता है। जैसे कि यह CH3CH2CH3 इसमें क्या किया कि ये इसके द्वारा जुड़ गया तो साइक्लोप्रोपेन बन गया था हमारा इस तरीका से CH2 CH2, और ये आखिरी जो परमाणु है ये इसी से, इसी चेन के एक कार्बन से जाके जुड़ गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब चक्रीय कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया है समचक्रीय कार्बनिक यौगिक यानी कि होमोसाइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्यों कहते हैं मैंने बताया था, इसमें जो वलय बनती है, वलय जो बनती है कोई भी वलय बने, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक पॉइंट पर हमारा कार्बन परमाणु होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर कार्बन परमाणु होता है, इसमें कोई भी अदर कंपाउंड विषम कंपाउंड नहीं हो, सॉरी विषम परमाणु नहीं आएगा, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं आएगा समचक्रीय कार्बनिक यौगिक में, इसलिए हमको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, क्योंकि इनकी जो वलय बनती है कार्बन कार्बन एटम से ही बन रही है। विषम चक्रीय यौगिक में क्या है कि इसके अंदर एक कार्बन ब्लॉक हो जाता है, उसकी जगह पर कोई भी हमारा विषम परमाणु आकर जुड़ जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसे कोई भी एटम हमारे जुड़ जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक हम कहते हैं उनको। अब जो समचक्रीय यौगिक है ये दो प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक का मतलब है कि ये व्यवहार तो एलिफैटिक की तरह ही करते हैं लेकिन ये बंद श्रृंखला में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, बंद श्रृंखला में होते हैं, जबकि समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, ये एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी दिखाते हैं, एरोमेटिकता दिखाते हैं, और ये बंद क्लोज वलय के अंदर होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था नेप्थलीन, पढ़ा था एंथ्रासन, पढ़ेंगे या बेंजीन पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये एरोमेटिक है। क्या बच्चे, एरोमेटिक है। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, एरोमेटिक, और लिखना बच्चे एरोमेटिक, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, इनको दो भागों में तोड़ा गया, एक बेंजेनॉइड्स और एक नॉन बेंजेनॉइड्स, और इनका क्रम से
हम प्रत्येक की व्याख्या करेंगे, प्रत्येक की परिभाषा लिखेंगे, प्रत्येक के बारे में समझेंगे, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।